हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद मचने वाले संभावित घमासान को लेकर कांग्रेस हाईकमान पहले से ही गंभीर होती नजर आ रही है, तो वहीं पार्टी ने अभी से ही डैमेज कंट्रोल भी शुरू कर दिया है। हाईकमान प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ खुद 1-to-1 बैठक कर रहा है, उनसे संभावित प्रत्याशियों को लेकर प्रतिक्रिया भी ली जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद मचने वाले संभावित घमासान को लेकर कांग्रेस हाईकमान पहले से ही गंभीर होती नजर आ रही है, तो वहीं पार्टी ने अभी से ही डैमेज कंट्रोल भी शुरू कर दिया है। हाईकमान प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ खुद 1-to-1 बैठक कर रहा है, उनसे संभावित प्रत्याशियों को लेकर प्रतिक्रिया भी ली जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में टिकट चयन को लेकर उन क्षेत्रों के बड़े नेताओं की रायशुमारी भी ली जा रही है, साथ ही टिकट मिलने के बाद नाराज होने वाले दूसरे दावेदारों को मनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं दिग्गज नेताओं को दी जा रही है, ताकि वे नाराज होकर ना तो दूसरे दलों में शामिल हो सके और ना ही आजाद खड़े हो सके। आपको बता दें, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के 2,556 नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है। एक सीट पर 28 दावेदार हैं, तो कई सीटों पर इनकी संख्या 40 से भी अधिक है। हाईकमान के आदेश पर हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने छंटनी करके सभी हलकों के पैनल तैयार कर लिए हैं। चूंकि टिकट एक नेता को ही मिलनी है, इसलिए सूची जारी करने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन प्रदेश के सभी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ पहले ही बैठक हो चुकी है। मंगलवार को दिल्ली में माकन ने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ मीटिंग की। इस दौरान दोनों से उनके जिलों में टिकटों के लिए दावा करने वाले नेताओं के बारे में फीडबैक लिया गया। वहीं संभावित प्रत्याशियों को लेकर उनकी राय भी ली गई। सुरजेवाला का कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जिंद, जबकि कुमारी शैलजा का हिसार, सिरसा और अम्बाला में प्रभाव है। इसी के साथ कांग्रेस हाईकमान टिकटों से पहले एक एक करके बड़े नेताओं के साथ मंथन कर रहा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही माखन ने कांग्रेस के 5 सांसदों और लोकसभा चुनाव में उतरे 5 प्रत्याशियों से भी बैठक की थी। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।